Good morning to everyone. This is the sum we will be doing today. Following details were extracted from the information given by Mr. Amarnath for the year ended 31st March 2017. His cash and bank account is there. To balance brought down is the opening cash balance. अगर ये 31st मार्च 2017 है तो ये बैलेंस जो है ये 1st अप्रैल 2016 का कैश इन हैंड बैलेंस है. फिर ईयर में कैश में सेल किया 60,000, डेटर्स को पेमेंट किया 1,90,000, बिल्स रिसीव डेटर को पेमेंट नहीं, डेटर से पैसा मिला, रिसीव फ्रॉम डेटर्स इज 1,90,000 बिकॉज दिस इज ए रिसीट साइड. रिसीट साइड मीन्स मनी इज कमिंग इन. सो कैश में सेल किया तो पैसा आया, डेटर से पैसा मिला जो है क्रेडिट में सेल किया था, बिल रिसीवेबल से बिल ऑनर हुआ 15,000 पैसा मिला, मिसलेनियस इनकम से पैसा मिला, लोन रिसीव्ड. See, when we take a loan, it's a liability. But when we take a loan, we get the money first. पैसा मिलता है, तो that is receipt. Money comes into business. And then payment side में cash में purchase किया, money goes out. Creditors को pay किया, money goes out. Bills payable pay किया, money goes out. Salaries pay किया, printing and stationery pay के लिए pay किया, telephone expense के लिए pay किया. By sales से commission pay किया, laptop purchase किया तो पैसा pay किया. So here everywhere payment side money goes out. Getting the point? Money goes out and by balance carried down is the balance of cash with the business. So there is 10,000 cash in hand in the year end. Year end, that is 31st March 2017. The business has 10,000 cash left out with them. This is balance of cash and bank. Then let us come below what is given. We are balance on 31-3-2016, opening balance, and balance on 31-3-2017. These are all the asset and liability balances. So furniture is 10,000, we can see. Laptop, beginning mein nahi tha. Baad mein, in the year, we have purchased 30,000 ka laptop. So see here also, in the how did I know? See here in the cash payment that is laptop purchased. मतलब ये जो लैपटॉप जो असेट साइड में है ये ईयर ये साल में ही परचेज हुआ है. बिकॉज इन द कैश बैंक कैश बुक वी कैन सी दैट देयर इज लैपटॉप परचेज सेम अमाउंट 30,000 और यहाँ पे असेट साइड में भी इट इज 30,000. मतलब ये जो लैपटॉप है ये पिछले साल नहीं था, ये इस साल परचेज किया गया है. दैट प्रूफ वी आर गेटिंग फ्रॉम द कैश बैंक बुक ऑल्सो. कैश बुक में भी लैपटॉप परचेज इज इन द पेमेंट साइड एंड इन द असेट साइड वी विल हैव टू राइट दिस लैपटॉप. सो इट इज देयर इन द क्लोजिंग बैलेंस कि हमें 30,000 का लैपटॉप लिखना है बिकॉज इट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर. कब परचेज किया है दैट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन. कैश बैंक बैलेंस 7,000, 10,000 दिस इज देयर इन द कैश बैंक बुक ऑल्सो. बिगनिंग में 7,000, एंड में 10,000. सो हियर सी 7,000, 10,000 स्टॉक. बिगनिंग का स्टॉक, एंड का स्टॉक. बिगनिंग का स्टॉक को विविल से ओपनिंग स्टॉक, एंड का स्टॉक को विविल से क्लोजिंग स्टॉक. डेटर 40,000, ओपनिंग 60,000, क्लोजिंग. बिल रिसीवेबल 5,000, ओपनिंग 9,000, क्लोजिंग. क्रेडिटर्स 18,000, ओपनिंग 22,000, क्लोजिंग. बिल्स पेबल 6,000, 14,000. सो ये चारों अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा बिकॉज बिल रिसीवेबल इज इंटर रिलेटेड टू डेटर, बिल पेएबल इज इंटर रिलेटेड टू क्रेडिटर. तो जब बिल पेएबल अकाउंट बंद करेंगे तो उसका बैलेंस क्रेडिटर में जाएगा, बिल रिसीवेबल बंद करेंगे तो उसका बैलेंस डेटर में जाएगा. वी हैव डन स्मॉल स्मॉल सम्स बेस्ड ऑन
debtor, bill receivable, creditor, and bills payable. You can also, if you have missed those lectures, you can watch them through the YouTube channel, through my YouTube channel, because I have recorded all the lectures. You can go and you can just listen to those lectures. Now, other details may we have provide depreciation on laptop at 40% per annum. So we have to provide depreciation, and then laptop was purchased. See, information when the laptop was purchased is also given. So laptop was purchased during the year on 31, on sorry, on 1st December. So कितने महीने का डिप्रिसिएशन आएगा 40%. देखो 1st December को परचेज किया, तो दिसंबर का पूरा महीना लैपटॉप हमने यूज किया, जैन फेब मार्च, बिकॉज मार्च इज द ईयर एंड, सो इट इज 4 months डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 40%. वी विल कैलक्यूलेट एंड वी विल गेट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन. एंड दे से बिल रिसीवेबल डिसऑनर ड्यूरिंग द ईयर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो डेटर में ऐड करना पड़ेगा 400. सो डे बिल रिसीवेबल में से माइनस, माइनस मतलब क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, बिकॉज बिल रिसीवेबल इज अ असेट, वो कम होता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं. एंड डेटर के डेबिट साइड में आएगा, बिकॉज बिल रिसीवेबल का पैसा नहीं दिया तो हम वो पैसे को भूल नहीं जाएंगे. वी विल ऐड इट टू द डेटर, दैट बिल रिसीवेबल नाउ बिकम्स द डेटर. सो व्हाट ऑल अकाउंट्स यू हैव टू प्रिपेयर, सो इन द बुक्स ऑफ अमरनाथ, इन द बुक्स ऑफ अमरनाथ, बिकॉज द ओनर्स नेम इज अमरनाथ. And we have to prepare trading and profit and loss account for year end. So I will just write it, and then ये account के बाद मुझे balance sheet भी prepare करना है. So I will prepare the balance sheet also, and मुझे some working notes चाहिए. मुझे कैपिटल बैलेंस नहीं दिया तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, करेक्ट? अगर कैपिटल बैलेंस देते हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये पूरा ओपनिंग बैलेंस शीट हम कैपिटल फाइंड करने के लिए प्रिपेयर करते हैं. तो इट इज़ बैलेंस शीट, आई विल जस्ट चेंज द डेट नाउ. ये 617 के बदले में 16 हो जाएगा, और हमें बाकी डेटर अकाउंट वी विल हैव टू प्रिपेयर. डेटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, फिर हमें क्रेडिटर अकाउंट चाहिए, क्रेडिटर अकाउंट चाहिए, फिर हमें बिल्स पेएबल अकाउंट भी चाहिए. सो ये हो गया, अब इसको कॉलम्स बना देते हैं. लेट अस इंसर्ट द कॉलम्स. सो 1, 2, 4 कॉलम फॉर अमाउंट, क्योंकि देयर मे बी एडजस्टमेंट. सो इनर कॉलम में लिख सकते हैं, वैसे तो ये सब में नहीं है बट स्टिल लेट अस एडजस्ट द अमाउंट कॉलम्स. So here, what is it? Particulars, and rupees, and then again particulars, rupees. So this is done. I'm just copying it. एंड यहाँ पे भी वही यूज करने वाली हूँ, लेकिन ये बैलेंस शीट में तो ये नहीं रहेगा. सो हैव टू चेंज द हेडिंग. ओके, सो इधर भी बैलेंस शीट है, लेकिन इधर भी चेंज करना पड़ेगा.
उसके बाद डेटर अकाउंट, इसमें हमें दो दो कॉलम अमाउंट का नहीं चाहिए, एक कॉलम निकाल देते हैं। सो ये सेम आई विल कॉपी, ओके, सो वी आर रेडी विद द फॉर्मेट। नाउ लेट अस बिगिन विद आवर सम। सो सबसे पहले हमें कैश का बैलेंस दिया है, लेकिन जब भी है ना ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना हो ना तो पहले क्या करना चाहिए, दिस इज व्हाट आई फील दैट हम लोग पहले है ना बैलेंस शीट बना देते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये सबको कॉपी कर लूँगी एंड ये असेट साइड के सारे आइटम्स है एंड ओपनिंग बैलेंस शीट है, मैंने सब लिख लिया, सारे असेट साइड के हैं, सॉरी क्रेडिटर नहीं चाहिए, सिर्फ बिल रिसीवेबल तक चाहिए और वो मैंने इधर लिख दिया। ओके नाउ मेरे पास यहाँ पे दो है, क्रेडिटर ये सौ क्रेडिटर और बिल्स पेबल, उसका अमाउंट चेक कर लेते हैं, 18,000 and 6,000। सो आई विल राइट हियर 18,000 and 6,000। नाउ क्लोज दिस बैलेंस शीट, देखो व्हाट यू गेट, आपको क्या अमाउंट मिलता है, इसको क्लोज करो। 10 + 7 + 30 + 40 + 5,000 कितना आ रहा है, 77, 87, 92 आ रहे। तुम लोग को भी आ रहे सेम अमाउंट, 92,000 में से 24,000 माइनस करो, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज 68,000। तो यहाँ पे आई विल राइट कैपिटल बिकॉज यहाँ पे मिसिंग है कैपिटल, सो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल दिया रहता तो ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का जरूरत ही नहीं था। तो यहाँ पे जो कैपिटल मिला ना, आई विल राइट हियर कैपिटल 68,000, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। सो इसके बाद अब हम लाइन से जाते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैश है वो तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है 7,000, कैश सेल 60,000। सो आई विल राइट हियर बाय सेल्स एंड कैश है तो आई विल राइट 60,000। कैश बैंक अकाउंट क्यों प्रिपेयर नहीं कर रहे, बिकॉज कंप्लीट कैश बैंक अकाउंट दिया, ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, प्रॉपरली टैली भी हो रहा है, तो इसलिए कैश, जब कैश बैंक अकाउंट ऑलरेडी दिया है तो वाई वी नीड टू प्रिपेयर दैट। एंड यहाँ पे बैलेंस शीट में जब मैंने प्रिपेयर किया तो मैंने लैपटॉप लिखा है लेकिन अमाउंट में कुछ नहीं है, तो वैसे अगर उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मैंने कॉपी पेस्ट किया तो सब असेट्स लिख लिया बट अमाउंट में देखो लैपटॉप के आगे कोई भी अमाउंट नहीं है, तो अगर आप वो नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस तो कॉपी पेस्ट की वजह से मैंने लिखा। इफ़ वी वॉन्ट वी कैन जस्ट डिलीट इट बिकॉज लैपटॉप तो है ही नहीं, लैपटॉप का तो अमाउंट नील है, उसको ऐसे लिखोगे तो भी कुछ नहीं प्रॉब्लम है। ये हो गया कैश सेल लिखा, अभी डेटर को पे किया है 1,90,000। सो डेटर को पे किया है तो क्या होगा, हम लोग डेटर अकाउंट में जाते हैं और डेटर को पे करेंगे, सॉरी डेटर पे करते हैं या डेटर से पैसा मिलता है, डेटर से पैसा मिला तो डेटर कम हुआ, डेटर इज अ डेबिट बैलेंस बीइंग अ एसेट, कम होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। अमाउंट क्या है 1,00,000, व्हाट वाज द अमाउंट,
डेटर का लेट मी जस्ट वंस अगेन चेक, डेटर से कितना पैसा मिला? 1,90,000, डेटर से मिला 1,90,000। तो भाई यहाँ पे डेटर अकाउंट में डेटर नहीं लिख सकती हूँ ना, यानी इट्स अ डेटर अकाउंट में, डेटर अकाउंट में बाई डेटर नहीं लिख सकती हूँ, डेटर अकाउंट में ये कहाँ से लिख रहे हैं हम? कैश बैंक अकाउंट से ना, कैश बैंक अकाउंट से लिख रहे हैं। कितना पैसा मिला? 1,90,000। कितना पैसा मिला? 1,90,000। सो आई हैव रिटन, जब डेटर से पैसा मिलेगा तो डेटर कम हो जाएगा, तो बाई कैश बैंक लिख दिया। फिर उसके बाद गो टू द क्वेश्चन अगेन, बिल रिसीवेबल से भी पैसा मिला 15,000, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट भी कम हो जाएगा। लेट अस गो टू द बिल रिसीवेबल अकाउंट, कम होगा तो असेट है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बिल रिसीवेबल, बाई कैश बैंक, उधर था टू बिल रिसीवेबल, यहाँ पे रहेगा अपोजिट अकाउंट का नाम बाई कैश बैंक। तो हाउ मच इज द अमाउंट? 15,000। यहाँ पे आई विल राइट 15,000। नाउ व्हाट वी विल डू, अगेन गो टू द कैश बैंक अकाउंट। बिल रिसीवेबल के बाद हमारे पास है टू मिसलेनियस इनकम, तो ये इनकम है, इनकम पीएनएल अकाउंट में आता है, इनकम विल कम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो आई विल राइट बाई मिसलेनियस इनकम, इनकम क्रेडिट साइड में रहता है, बाई मिसलेनियस इनकम। वॉट इज द अमाउंट ऑफ मिसलेनियस इनकम? जस्ट चेक अगेन, 3,000, मिसलेनियस इनकम इज 3,000, सो आई विल राइट 3,000। एंड इसके बाद मिसलेनियस इनकम के बाद लोन रिसीव्ड, लोन लिया है 20,000 का, तो ये लोन का जो पैसा मिला है वो कहाँ पे शो करना पड़ेगा? वो लाइबिलिटी है, लोन लिया है, सो आई विल राइट हियर लोन, एंड द अमाउंट ऑफ द लोन इज 20,000, सो आई विल राइट हियर 20,000। क्लियर? लोन लिया है, लोन लाइबिलिटी है, तो लोन का पैसा मिला इसलिए कैश बैंक अकाउंट में है, लेकिन लोन का पैसा वापस भी करना है, तो जब तक ये पैसा वापस नहीं करेंगे इट विल बी अ लाइबिलिटी, सो लाइबिलिटी में लिखा। बिकॉज देखो ये जो मिस्टर अमरनाथ है, he is a person, sole trader, and he is not aware about the double entry. तो हम लोग क्या करेंगे, उसने जितना भी information दिया है उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो लोन के बाद वी कम टू द कैश परचेज 30,000, सो यहाँ पे लिखेंगे परचेज कम्स हियर, सो टू परचेसेस में कैश में परचेस किया 30,000, कैश परचेसेस है मतलब कैश में परचेस किया 30,000। फिर बाई क्रेडिटर्स 1,20,000, क्रेडिटर्स को पे किया, तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस कम होगा, तो और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या जा रहे बाहर, कैश बाहर जा रहे, टू कैश बैंक। कितना डेटर को पे किया जरा वो फिर से देखते हैं, डेटर को पे किया 1,20,000, सो यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000, 1,20,000। सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल नाउ गो टू द कैश बुक अगेन, डेटर क्रेडिटर को पे किया वो हो गया, अभी क्या करेंगे, क्रेडिटर के बाद बिल पेबल को पे किया 18,000, सो बिल पेबल भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट अकाउंट का नाम कैश बैंक अकाउंट 18,000, यहाँ पे लिखेंगे 18,000। इसके बाद अगेन आई विल गो टू द कैश बुक एंड सी कैश परचेस के बाद, सॉरी बिल पेबल, कैश परचेस हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, अभी ये सब एक्सपेंसेस है ना,
सैलरीज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंस, सेल्स कमीशन, तो ये सबको मैं कॉपी करूँ और बाई का टू आई विल मेक, बिकॉज ये सब किधर आता है P&L अकाउंट में. तो एक एक नहीं लिख रही हूँ मैं, आई विल राइट टूगेदर, आई विल कॉपी ऑल ऑफ दिस. तो ये कॉपी करके आई एम राइटिंग, क्योंकि ये P&L अकाउंट में तो ये टू करके आएगा, तो यहाँ पे भी टू. So we have written all the expenses. Now what we will do? इसको एक ही इसमें लेना है तो इसको थोड़ा extend करना पड़ेगा. अभी हम जाएंगे और amount को copy करेंगे. Cash bank किधर गया हमारा question? तो salary से लेके sales commission तक जितना भी figures है उसको copy करेंगे. ये when we solve in the laptop, this is the positive point. We can do copy paste. नहीं तो एक एक करके लिखना पड़ता था. यहाँ पे हम एक ही बार में पूरा paste करके लिख सकते. This is one of the advantage in the teach online teaching, which we don't have in the offline. Because in the offline we have to write one by one. So, ये हो गया, सब P&L अकाउंट में आता है तो सब P&L अकाउंट में लिखा. अभी क्या बच गया है कैश बैंक अकाउंट में? अभी बच गया है लैपटॉप परचेस. अभी बच गया लैपटॉप परचेस. तो लैपटॉप परचेस किधर आएगा? लैपटॉप परचेस करेंगे तो असेट में आएगा. लैपटॉप कितने में परचेस किया? इसमें डेप्रिसिएशन भी है इसलिए मैं इनर कॉलम में लिख रही हूँ. इसके बाद नाउ वी कम टू द, ये हो गया कैश बैंक बैलेंस है. देखो बाई बैलेंस कैरीड डाउन, तो ये कैश बैंक है 10,000. सो मैं असेट में लिखूंगी करंट ईयर का, दैट इज कैश बैंक बैलेंस 10,000. इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो लास्ट कॉलम में लिखेंगे 10,000. इसके बाद अभी वन बाई वन हमें करना पड़ेगा ये. तो यहाँ पे देखो जे ये मैं सोच रही हूँ ये सब क्योंकि एसेट साइड में ही आता है, इसको मैं कॉपी कर लूँ एंड आई विल राइट हियर इन द एसेट साइड. जो लिखा है ना वो मैं माई अभी डिलीट कर दूंगी. देखो इसमें लैपटॉप तो ऑलरेडी, ये दोनों तो ऑलरेडी लिख लिया है, तो ये दोनों मैंने माइनस किया, बाकी का कुछ लिखा नहीं है. तो अभी मुझे फर्नीचर स्टॉक डेटर बिल रिसीवेबल यही चाहिए. तो पहले मैं क्या करती हूँ, ये स्टॉक डेटर बिल रिसीवेबल को कॉपी करती हूँ, वो अमाउंट को. ये सब असेट साइड में ही आता है इसलिए मैंने भी क्या किया, ये लिख लिया. अभी स्टॉक स्टॉक से लिखा है तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया. फर्नीचर इज ऑल्सो ऑफ 10,000, ये हमने देख लिया फर्नीचर कितने का है, 10,000 का है, वो मैन्युअली लिख लिया. अभी क्या बचा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लिखना बाकी है. तो ये दोनों को कॉपी किया मैंने. 22,000, 14,000 ध्यान में रखो, इट इज 22,000 क्रेडिटर एंड 14,000 बिल पेबल. सो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्रेडिटर 22,000 था बराबर और बिल्स रिसीवेबल 14,000 था. एम आई करेक्ट? सो आई विल राइट 14,000, 22,000 ये भी हो गया. हमने बैलेंस शीट का भी पूरा पोस्टिंग कर लिया, बैलेंस शीट में जो दिया था वो पूरा लिख लिया. अभी हमें ना ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, किस कौन से तीन अकाउंट, चार अकाउंट का, डेटर बिल रिसीवेबल क्रेडिटर बिल पेएबल, वो बाकी है. तो वो मैं एक बार लिख लेती हूँ. अभी डेटर है तो असेट है, असेट को डेबिट बैलेंस रिलेटेड टू बैलेंस वॉट डाउन और क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड में रहेगा बाई बैलेंस कैरी डाउन. सेम वे बिल रिसीवेबल का भी है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाई बैलेंस ऑपोजिट साइड में असेट. क्लोजिंग बैलेंस हमेशा
ऑपोजिट साइड में मैक्सिमम टाइम ऑपोजिट साइड में रहता है। इसके बाद क्रेडिटर, क्योंकि लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस तो बाई बैलेंस वॉट डाउन एंड इधर रहेगा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। इसके बाद बिल्स पेबल का भी ऐसा ही है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरी, टू बैलेंस ऑपोजिट साइड में हो रहेगा क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये सबका अमाउंट हमें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले लेट अस चेक फ्रॉम हियर, डेटर 60,000 क्लोजिंग बैलेंस है और 40,000 ओपनिंग बैलेंस। पीछे तो इधर से देखना है तो इधर से देखो, 40,000 60,000 5,000 9,000 40,60,59 ये ध्यान में रखते हैं, 40,60,59 सो 40,000 60,000 60,000 और 5,000 9,000 5,000 and 9,000 ये हमने याद रखा है। नाउ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन 18,000 22,000 6,000 4,000 18,22 6,4 ध्यान में रखना है, 18,22 6,4 18,22 and 6,000 4,000 ऐसे हमने याद रख के यहाँ पे पोस्टिंग किया, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर बिल्स पेबल का क्रेडिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस इज इन द डेबिट साइड बिकॉज लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये हमने किया। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ लेट अस सी व्हाट एक्स्ट्रा इज गिवन। तो अभी इसके बाद हमने सारा पोस्टिंग कर लिया, अभी डिप्रिसिएशन का बोला है लैपटॉप पे 40% निकालना है एंड 1st December को परचेस हुआ है। तो लेट अस गो टू द एडजस्टमेंट, लेट अस गो टू द एडजस्टमेंट एंड वी विल सी हियर लेस डेप्रीसिएशन 40% लेस हमारा डेप्रीसिएशन करना है, डेप्रीसिएशन का 40% है तो 30,000 × 40% इंटू कितना महीना, 1st December को खरीदा है तो दिसंबर के बाद दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो 14/12 सी हाउ मच यू आर गेटिंग, सी हाउ मच डेप्रिसिएशन यू आर गेटिंग, हाउ मच डेप्रिसिएशन, जस्ट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, हाउ मच आर यू गेटिंग 4,000 डेप्रिसिएशन, आर यू गेटिंग 4,000, जस्ट चेक, इवन आई विल डू इट अगेन, 40,000 × 40% × 4/12 is coming some different answer, 40,000 × 40/100 कितना है, हमें कितना मंथ का चाहिए, 4/12 ना, कौन सा महीना है, इट इज दिस 1st December को खरीदा है सो 1st December यहाँ पे देखेंगे, 1st December तो 1st December को खरीदा है, 1 minute, इट इज नॉट 40, दिस व्हाट इज इट, इट इज 30,000 ना, 40% 4,000 आ रहे सबको, 30,000 × 40% × 4/12 4,000 आ रहा है, मैं 40,000 पे सॉल्व करने लग गई, इसके वजह से आई वॉज गेटिंग सम डिफरेंट आंसर, 4,000 इज करेक्ट। सो हियर व्हाट वी विल डू, माइनस करके कितना होगा, 26,000 और डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट भी देना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप 4,000
सो दिस इज ऑल्सो डन. नाउ हम लोग को क्या है, और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है. इसके बाद बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर ड्यूरिंग द ईयर 400. तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना भाई, डिसऑनर हुआ मतलब कम हुआ बाई, तो हम उसको भूलेंगे नहीं, डेटर्स में लिखेंगे तो बाई डेटर लिखना पड़ेगा 400. सो बाई डेटर इधर हो जाएगा टू बिल रिसीवेबल कितना 400. अभी क्या करना है, पहले सारा एडजस्टमेंट सब हो गया, हमें अकाउंट्स क्लोज करना है. तो पहले बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्लोज करो. फर्स्ट क्लोज द बिल रिसीवेबल अकाउंट 15,000 प्लस 9,000 प्लस 400 इज 24,400 माइनस करो 24,400 5,000 से हाउ मच यू आर गेटिंग 19,400 करेक्ट. इसको बोलेंगे ये बिल रिसीवेबल कैसे इंक्रीज हुआ रहेगा, व्हेन डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू बिल रिसीवेबल. जब डेटर को बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट किया तो बिल रिसीवेबल इंक्रीज हुआ. बिल रिसीवेबल का डेबिट मतलब इंक्रीज हुआ. कब इंक्रीज होता है, व्हेन डेटर्स आर कन्वर्टेड. सो डेटर अकाउंट में हम इसका ऑपोजिट इफेक्ट टू डेटर हो जाएगा बाय बिल रिसीवेबल 19,400. अब डेटर अकाउंट को बंद करो. अभी डेटर अकाउंट को बंद करो. 1,90,000 प्लस 60,000 प्लस 19,400 इज इक्वल टू 269,400 बराबर 269,400. तो ये डेटर कैसे इंक्रीज हुआ रहेगा, डेटर इंक्रीज होता है जब हम क्रेडिट में सेल्स करते हैं. जिनको हम क्रेडिट में सेल करते हैं दे आर अवर डेटर्स. सो दिस इज 2,29,000 क्रेडिट सेल है. तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा क्रेडिट में जो सेल किया है 2,29,000. सब इसको ऐड करो 2,29,000 और 60,000 को. हाउ मच यू गेट 2,89,000 इज अवर टोटल, इज अवर टोटल सेल्स. नाउ सेम वे क्रेडिटर अकाउंट को भी बंद कर, क्रेडिटर को पहले बंद नहीं कर सकते, पहले बंद करना पड़ेगा बिल्स पेएबल को. तो आई कैन सी द डेबिट साइड इज हैवी 18 प्लस 4 इट इज 18,000 प्लस 4,000 इज 22,000. सो 22,000 में से 6,000 माइनस करो. हाउ मच यू गेट 16,000 मिल रहा है. वन मिनट. हाँ, बिल्स पेबल का बैलेंस कितना है एक बार फिर से मैं चेक करूं. बिल्स पेबल का बैलेंस 14,000 है. जस्ट वंस अगेन, इट इज 6,000 एंड 14,000. मैंने 4,000 लिखा है. वन मिनट, देयर इज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड. मैंने बिल्स पेबल को 4,000 लिखा, इट इज 14,000. सो ये कितना होता है 32,000 और ये होता है 32,000. 32,000 में से 6,000 माइनस किया तो कितना होगा 26,000 बराबर. तो ये कैसे इंक्रीज हुआ रहेगा बिल पेबल, व्हेन क्रेडिटर्स आर कन्वर्टेड इनटू बिल्स पेबल बैलेंस. सो ये बाई क्रेडिटर इधर हो जाएगा, क्रेडिटर में हो जाएगा टू बिल्स पेबल. कितना अमाउंट है, ये अमाउंट है 26,000. ये अमाउंट है 26,000.
So that's close it 1,20,000 plus 26,000 plus 22,000 is 1,68,000. 1,68,000 माइनस 18,000 हमें मिलता है 1,50,000. तो क्रेडिटर कैसे इंक्रीज होता है? जब हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, व्हेन वी परचेज ऑन क्रेडिट आवर क्रेडिटर इंक्रीजेस. सो दिस इज बैलेंसिंग फिगर. क्रेडिटर कब इंक्रीज होता है? जब हम क्रेडिट में परचेज करते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट, दैट इज 1,50,000. 1,50,000. तो ये दोनों को ऐड करो, परचेज हो जाएगा 1,80,000. अभी देखो हमने स्टॉक का इफेक्ट दिया ही नहीं है. स्टॉक कितना है? 30,000, 20,000. तो इधर लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक. हाउ मच इज ओपनिंग स्टॉक? वी कैन सी हियर इट इज 30,000. और इधर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक. कितना है ये? बाय क्लोजिंग स्टॉक इट इज, क्लोजिंग स्टॉक इज हाउ मच? 20,000. अब हमने सारा पोस्टिंग कर लिया है. नाउ फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट. फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट. ये क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,09,000. 3,09,000. एंड हियर व्हेन वी फाइंड द प्रॉफिट इट इज टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन. देखो कितना है 3,09,000 में से. वन मिनट, मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा डाला इधर. 1,80,000 और 30,000, इट इज 2,10,000 माइनस करो. हाउ मच यू विल गेट? यू विल गेट 99,000. तो ये टू ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 99,000. तो ये अब इसके बाद ये हो जाएगा 99 प्लस 3 इज 1,02,000. 1,02,000. नाउ सी वेदर हमें क्या नेट प्रॉफिट मिल रहा है. चेक नेट प्रॉफिट कितना है. नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, हाउ मच इज द नेट प्रॉफिट? How much is the net profit? Minus करो 40, 25, 8, 14 और 4, 1,02,000 में से. तो हमें कितना मिलता है profit? 11,000. तो ये profit हम add करेंगे. Add net profit which is 11,000. तो outer column में कितना आएगा? Outer column में आएगा 79,000. नाउ जस्ट टोटल, इसको टोटल करो. देखो बैलेंस शीट टैली हो रहा है. 79,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 14,000 इज इक्वल टू 1,35,000. एंड यहाँ पे भी देखो वेदर आवर बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलीड. 26,000 प्लस 10,000 प्लस 10 plus 20 plus 60 plus 9, it should come to 1,35,000. Then we say that our balance sheet is tallied. With this, our sum is done. Thank you very much, everyone.